डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनलाइट इंग्लिश. सो हेयर आई एम विद द सेकेंड वीडियो ऑफ डीप वाटर. दिस इज द सेकेंड पार्ट. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द फर्स्ट पार्ट. हाफ ऑफ द लेसन वी हैव डिस्कस्ड इन माई फर्स्ट वीडियो. सो प्लीज डू वॉच माई प्रीवियस वीडियो ऑफ डीप वाटर, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड दिस पार्ट मोर क्लियरली. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सो टिल नाउ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड कि द बॉय वॉज इन द स्विमिंग पूल एंड ही वॉज terrified, scared, but yet not frightened out of his wits. So he was not frightened out of his wits, though he was, you know, scary, frightened, and the terror that stark terror took an even deeper hold on him. But still, he has that hope in his mind that he will overcome it and he will be escaped. अभी भी उसके अंदर ये hope थी कि वो बच जाएगा. एंड देन स्ट्रेंजली देर वॉज लाइट. लेकिन अभी क्या हो रहा था, पानी में उसके जो पैर थे वो पैरालाइज हो गए थे, हाथ पैरालाइज हो गए थे. ही वॉज नॉट एबल टू मूव, ही वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ. नथिंग वॉज हैपनिंग एट ऑल. सो नाउ अब वो पूरी तरीके से टेरर के वश में आ गया था. मगर स्ट्रेंजली एकदम अजीब सा उसे कुछ दिखा, उसको थोड़ी सी लाइट दिखाई पड़ी. अब यहाँ पर इस लाइट का सिंबॉलिक मीनिंग है बच्चों. इस लाइट का मतलब है दैट हिज एंड इज नियर. हमें इस तरह की रोशनी तब दिखती है जब हमको हमें ऐसा लगता है कि अब हमारा अंत आ गया है. तो उसको भी एक ऐसी रोशनी दिखाई पड़ी, स्ट्रेंजली उसको लाइट दिखाई पड़ी. उसको अब उस डर से वो बाहर आ रहा था. अब उसको वो ऑफुल येलो वाटर में ना कुछ रोशनी दिखाई पड़ रही थी. उसकी जो आंखें थी, उसकी नोज थी, मतलब हर वो देख पा रहा था प्रॉपर, एक लाइट देख रहा था. देन आई स्टार्टेड डाउन द थर्ड टाइम. आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर. द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट. मतलब एकदम से उसको लाइट दिखाई पड़ी. उसने आंखों से उसको देखा, उसने कोशिश की थर्ड टाइम कि वो ऊपर आए, वो थोड़ा सा सांस ले पाए. और मगर जैसे ही उसने सांस लेनी चाहिए तो उसको सांस लेने पे क्या मिला, पानी ही उसने सक किया. जो येलोइश लाइट थी अब वो भी जा रही थी. देन ऑल एफर्ट सीज. अब मेरे जो सारे एफर्ट थे ना वो खत्म हो चुके थे. ठीक है, मेरे सारे जो एफर्ट्स थे वो सीज हो गए थे और अब मैं रिलैक्स हो गया था. अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था. अब मुझे कोई डर नहीं लग रहा था. अब मेरे जो लेग्स थे वो एकदम लिम्प हो गए थे और जो ब्लैकनेस थी वो पूरी मेरे ब्रेन, मुझे अब कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था. अब मैं मेहनत भी नहीं कर पा रहा था. आई हैव ट्राइड वेरी हार्ड. मैंने बहुत कोशिश की बचने की, बट अब मेरे सारे एफर्ट्स थे वो पैरालाइज्ड हो गए थे, सीज्ड हो गए थे. अब मैं रिलैक्स्ड हो गया था. अब मैंने अपने पैर चला रहा था, ना हाथ चला रहा था. आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग. और एक ब्लैकनेस जो थी ना, ब्लैकनेस यहाँ पर आप कह सकते हो टेरर का प्रतीक है, तो उस ब्लैकनेस ने मुझे पूरी तरीके से स्वीप कर लिया था. और क्योंकि इतना जब कहते हैं ना, जब बहुत ज़्यादा आप डर जाते हो तो डर भी आपसे हार जाता है. तो इट वाइप्ड आउट फियर. अब क्योंकि मैं इतना ज़्यादा डर चुका था तो अब मैं डरने से भी थक चुका था. तो अब मेरा जो डर था वो चला गया था. अब इसने मेरा टेरर भी हटा दिया था. अब कोई पैनिक नहीं था. बहुत क्वाइट और पीसफुल महसूस कर रहा था मैं. अब ऐसा कुछ नहीं लग रहा था जिससे मैं डरूं. बहुत अच्छा महसूस हो रहा था. अब मुझे थोड़ा ड्राउजी महसूस हो रहा था. मैं सोना चाहता था, मैं जंप नहीं करना चाहता था. अब मुझे ऐसा लग रहा था मुझे जंप करने की कोई ज़रूरत नहीं है. बहुत टायर्ड हो गया था मैं जंप करने के लिए. अब ऐसा लग रहा था मैं मतलब आराम से मैं लेटूं, मैं फ्लोट करूं. मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं स्पेस में उड़ रहा हूं. एक टेंडर आर्म्स, कुछ सॉफ्ट से हाथ मेरे आसपास हैं. ऐसा लग रहा था मेरी माँ के हाथ मेरे आसपास हैं और अब मैं सोने के लिए जा रहा हूँ. दैट मीन्स दैट लाइट, जो स्ट्रेंजली उसने वो लाइट जब देखी, उससे लगा वो एकदम से उठा और फिर अंदर आ गया. और अब उसको इतना, उसको कोई डर नहीं लग रहा था. उसको लग रहा था कि अब मुझे कुछ टेंडर आर्म्स दिखाई पड़ रहे हैं, वो मेरे माँ के हाथ हैं और अब मुझे सो जाना चाहिए. अब मुझे और अब कुछ भी पैनिक नहीं है. I crossed the oblivion and the curtain of life fell. यहाँ पे symbolic meaning है. Oblivion मतलब unconscious. अब मैं
एकदम यू नो मैंने क्रॉस कर चुके थे, मैं अपनी जो एक्टिव अवस्था थी मैं उसे क्रॉस कर चुका था. आई गॉट अनकॉन्शियस एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल. मैं उसके बाद से मुझे कुछ याद नहीं, मैं एकदम अनकॉन्शियस हो गया था और मुझे ऐसा लगा कि आई डाइड. द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, दैट मीन्स दैट अब जो डेडली एक्सपीरियंस है वो ख़त्म हो चुका है एंड माई एंड इज नियर. आई एम डेड. क्लियर? सो अब उसको लगा कि बस मैं मर गया हूँ, अब मेरी लाइफ ख़त्म होने वाली है. तो ही जस्ट क्लोज हिज आईज. देर वॉज नो मोर पैनिक, नो मोर एफर्ट्स, नथिंग वॉज देयर. एंड ही थॉट ऑफ दैट ही क्रॉस द ऑब्लिवियन. अब नाउ द एक्टिव स्पे यू नो द एक्टिव स्पेस इज क्रॉस्ड. नाउ ही इज डाइड एंड द कर्टन ऑफ लाइफ इज फेल. बट अगले दिन उसको क्या याद है, मतलब इसके बाद से उसको कुछ याद नहीं, बस उसको ये याद है अगले दिन कि वो पेट के बल लेटा हुआ था स्विमिंग पूल के बगल में और बहुत वॉमिटिंग कर रहा था. और जो द चैप, वो जो ब्रिक ब्यूसर था जिसने मुझे पानी में फेंका था, वो क्या कह रहा था कि मैं तो बस बेवकूफ़ बना रहा था, मेरा ये कोई भी इंटेंशन नहीं था कि ये मर जाए. तो यही है ना बुलिंग और इसके इफ़ेक्ट्स. उसको नहीं पता था, उसको ये नहीं पता था कि इतना बुरा एक्सपीरियंस होगा इसके साथ, ये मर भी सकता है. उसने तो बस मजाक मजाक में ऐसा कर दिया. मगर किसी बड़े इंसान ने बोला कि ये बच्चा तो बिल्कुल डूबने वाला था, मरने वाला था. वी ऑल राइट नाउ लेट्स कैरी हिम टू द लॉक. तो उस ब्रूसर से उसने कहा कि चलो अभी वो ठीक है, इसको लॉकर रूम में लेके चलते हैं. तो कुछ घंटों के बाद मैं घर पहुंच गया. मैं बहुत वीक था, मैं बहुत आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बल एंड मैं बहुत डर रहा था. आई शूक एंड क्राइड, मैं बहुत रो रहा था और मैं अपने बेड पे लेट गया. मैंने उस रात कुछ नहीं खाया और कई दिनों तक वो जो हाउंटिंग फियर था ना, वो जो डर था वो मेरे दिल में रहा. और जो द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन भी मुझे डर मतलब अपसेट कर जाता था. मतलब कहते हैं ना कि जब आपने एकदम नियर डेथ एक्सपीरियंस किया हो या आपने वो चीज़ें देखी हूँ, तो थोड़ी सी भी कुछ कुछ गिर भी जाता है, कुछ छोटा सा भी इंसिडेंट आपको अपसेट कर दे रहा था. मुझे मेकिंग मी वॉबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक. कुछ भी होता था, स्लाइटेस्ट एग्जर्शन भी क्या करता था, मुझे एकदम आप कह सकते हो मुझे एकदम डरा देता था. थोड़ा सा भी एफर्ट नहीं करने की कोशिश करता था मैं, और मैं एकदम स्टेबल था. आई वॉज नॉट एबल टू मूव एंड आई वॉज रियली सिक. उसके बाद से मैं कभी पूल पे नहीं गया. आई फ्यर्ड वाटर, आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड. उस 11-12 साल, 3-4 साल पे था तब उसके साथ एक इंसिडेंट हुआ, फिर उसने कोशिश की 10-11 साल में, अगेन द मिस एडवेंचर हैपन. अब क्योंकि ही एक्सपीरियंस नियर डेथ, एक नियर डेथ एक्सपीरियंस किया उसने, इस वजह से अब उसने हमेशा पानी को अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया और जहां भी वो जाता था पानी को अवॉइड करने की कोशिश करता था. मगर कुछ सालों के बाद मुझे समझ मुझे कैस्केड्स के वाटर के बारे में पता चला और मैं उसमें जाना चाहता था. एंड जब भी मैं वहां जाता था, जब भी मैं मतलब वहाँ पर कोशिश करता था जाके बैठने की और वहाँ पर देखता था सारे यू नो वाटर प्लेजर्स देखता था, जैसे रिवर राफ्टिंग हो गई, बोटिंग हो गई, स्काइंग हो गई, जो भी ये सारी चीज़ें थी वाटर रिलेटेड जितने भी प्लेजर्स थे, मैं जब भी वहाँ पे जाता था मुझे हमेशा जो टेरर था वो मुझे सीज कर देता था और मैं वहाँ से वापस आ जाता. मतलब बिकॉज ऑफ हिज टेरर, बिकॉज ऑफ हिज फियर ऑफ वाटर, बिकॉज ही फियर्ड वाटर टू मच, दैट इज वाई, इसी की वजह से वो उसके जितने भी जो एडवेंचर थे वाटर से रिलेटेड, वाटर जॉयस थे जो उसके लाइफ के, वो उससे हमेशा वंचित रहा. ही वॉन्टेड टू स्विम, ही वॉन्टेड टू यू नो ही लाइक्स बोटिंग, वो रिवर राफ्टिंग करना चाहता था, बट बिकॉज वो पानी से इतना डरता था कि ये सारे वाटर प्लेजर जो थे ना उससे वो वंचित रहा. वो जब भी वहाँ जाता था वो टेरर जो होता था उसको सीज कर लेता था. सो क्योंकि अभी ये हो गया था कि पूरी तरीके से पोजेशन, पूरा मेरे ऊपर जन्म से अधिकार हो गया था जैसे उस डर का. तो वो डर जब मेरे जब भी मैं पानी में जाता था मेरे जो लेग थे पैरालाइज हो जाते थे. वो जो आईसी हॉरर था ना, वो मतलब चोकिंग एक्सपीरियंस था, वो जो फ्रीज हो गया था मैं पूरी तरीके से, उसने मेरे पूरे दिल को आप कह सकते हो ना एकदम चोक कर दिया था जिससे मैं बाहर नहीं निकल पा रहा था. तो दैट हैंडीकैप स्टेड विद मी एज ईयर ओल्ड. दिस हैंडीकैप मतलब दैट फियर ऑफ वाटर, दैट टेरर, दैट यू नो पोजेशन ऑफ टेरर वॉज स्टेड विद मी. मेरे साथ ये चीज़ बहुत सालों तक रही.
इस वजह से मैं फिशिंग, लैंडलॉक सैल्मन, मतलब जो भी जितने भी चीज़ें होती हैं वाटर रिलेटेड, जितनी भी चीज़ें होती हैं उससे मैं वंचित रहा। बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, ट्राउट फिशिंग ऑन द डचेस एंड मेटोलियस इन ऑरिगन, फिशिंग एंड सैल्मन ऑन द कोलम्बिया, द बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स, वेर एवर आई वेंट द हॉन्टिंग फियर ऑफ वाटर फॉलोड मी। मतलब ये सारे जो मेरे वाटर जॉयस थे, मैं जब भी इनके यहाँ पर जाता था, कुछ भी कोशिश करता था, दैट हॉन्टिंग फियर कम्स एंड ओवर पावर मी। तो ये इसने मेरी सारी फिशिंग ट्रिप्स को रियून कर दिया, इसने मुझे सब जॉय से वंचित कर दिया, जैसे कैनोइंग, बोटिंग, स्विमिंग, ये सब मैं कभी नहीं कर सकता जो कि मैं करना चाहता था। मैं हर दिन कोशिश करता था कि मैं इस फियर को ओवरकम करूं, मगर उसने इतनी टाइट ग्रिप बना ली थी मेरे ऊपर कि मैं उसको निकाल नहीं पा रहा था। तो ये देख लीजिए बच्चों कि जब भी आपके अंदर कोई थॉट प्रोसेस बहुत स्ट्रांगली एंटर कर जाती है ना, तो उसको निकालने में बड़ी मेहनत लगती है, मगर एक बार आप उसको निकालने की कोशिश करते हो ना और फिर मिस एडवेंचर हो जाता है तो वो बिल्कुल ही ठप पड़ जाती है। तो इसके साथ यही हुआ था, ही ट्राइड टू ओवरकम हिज फियर, बट वेन एवर ही ट्राइड, जब भी वो स्टार्ट करता था, समथिंग हैपेंड विद हिम। बट क्योंकि उसको पानी के जो जो वाटर प्लेजर्स होते हैं, फिशिंग ट्रिप्स, कैनोइंग, बोटिंग, इन सबका बड़ा शौक था। तो एक बार इसने डिसाइड किया, इट वॉज 1 अक्टूबर, जब उसने अक्टूबर था, जब उसने डिसाइड किया कि अब वो एक इंस्ट्रक्टर को हायर करेगा और स्विमिंग सीखेगा। मैं पूल पे गया और मैंने 5 दिन, एक वीक में 5 दिन 1 घंटा रोज प्रैक्टिस करने की सोची। जो इंस्ट्रक्टर था उसने मेरे को एक बेल्ट बांध दी, और वो ऐसी बेल्ट थी जो कि अटैच थी एक पुली से, जो कि एक ओवरहेड केबल था, मतलब अगर वो डूबेगा भी तो वो पकड़ के खींच लेगा। तो ऐसे वो पकड़ के रखता था उस रोप को, और ऐसे ही वो आगे पीछे स्विमिंग करता था, बैक और फोर्थ। क्योंकि उसको लग रहा था कि अब वो अकेले स्विमिंग नहीं करेगा, अब वो सेफ साइड लेके चलेगा, ही विल गेट एन इंस्ट्रक्टर, अब मैं वो सीख के ही रहेगा स्विमिंग। ही डिसाइडेड, अपने एकदम विल पावर को स्ट्रांग किया। तभी मैं बोल रही हूँ, वेन देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे, जब आपको आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी तो आपको वे ज़रूर मिलेगा, भले ही वो कितना भी डेडली एक्सपीरियंस आपने आपके साथ हुआ हो, बट अगर आप चाह लेंगे तो वो ज़रूर आपको, आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो स्टार्ट किया और रोज़ 1 घंटा प्रैक्टिस करता था, तो इस तरीके से डे आफ्टर डी वी। लेकिन जब भी वो पानी के अंदर जाता था, वो जो पैनिक था वो उसको सीज करता था। हर बार जब इंस्ट्रक्टर जो होता था वो रिलैक्स करता था उसका रोप को, मतलब ढीला करता था कि वो जाए पानी के अंदर, तो वो जो टेरर था वो रिटर्न हो जाता था, उसके लेग्स फिर फ्रीज हो जाते थे। 3 महीने लगे बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, उसके बाद से 3 महीने लगे कि जब उसने वो सीखा। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एग्जेल। अभी तक तो वो पाम्प खाली आगे पीछे जैसे बैक और फोर्थ वाली स्विमिंग करता था, 3 महीने लगे उसको, जब भी वो पानी में जाता था वो टेरर उसके सामने आता था, बट वो अपने आप को स्ट्रांग करता था कि नहीं, आई विल ओवरकम दिस फियर एंड आई लर्न स्विमिंग, और मैं टेरर को बोलूँगा कि तुम यहाँ से भाग जाओ। ही वॉन्टेड द टेरर टू बी वेंट आउट। तो अब जो 3 महीने के बाद इंस्ट्रक्टर ने बोला कि अब तुमने फेस को भी अंदर डालो और वाटर को एक्सहेल करने की कोशिश करो। मैंने ये एक्सरसाइज 100 टाइम्स रिपीट की, बट फिर भी अभी भी थोड़ा बहुत पैनिक था मेरे अंदर। उसके बाद अगेन उसने मुझे साइड ऑफ द पूल पे बैठाया और मेरे लेग्स को किक किया, मतलब ये सारी ट्रेनिंग्स वो मुझे देता रहा था। पहली बात तो पहली मतलब अब वो मुझे बिना रोप के सिखा रहा था, अभी तक तो मुझे ही कैच होल्ड और रोप ऑन मी, और हमेशा से मुझे पकड़ के रखता था, तो मुझे लगता था मैं सेफ हूँ। बट अब वो मुझे रोप के बिना भी कह रहा था कि अपने लेग्स से जाके कोशिश करो, मगर मेरे लेग्स जो थे वो काम करना बंद करते थे, मगर स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं यूज टू हो गया और फाइनली आई कुड कमांड देम, मतलब फाइनली मैंने उस पर कमांड कर लिया। दस धीरे धीरे पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर, मतलब धीरे धीरे उस इंस्ट्रक्टर ने मेरे अंदर एक स्विमर को जन्म दिया, ठीक है, और उसने मुझे हर तरह में परफेक्ट किया, और मैंने मेरी विल पावर मैंने अपनी इतनी स्ट्रांग की कि आई हैव मैंने हर फियर को ओवरकम किया। जब भी टेरर आया मैं डरा नहीं, और मैंने बार बार कोशिश की। और अक्टूबर में उसने 1 अक्टूबर को सीखना स्टार्ट किया था, और अप्रैल में उस इंस्ट्रक्टर ने कहा कि अब तुम अपने आप स्विमिंग कर सकते हो, जाओ डाइव ऑफ करो और स्विम, पूरे स्विमिंग में मतलब स्विमिंग पूल में अकेले करो, क्रॉलिंग करो, और
अब इंस्ट्रक्टर ने बोला अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं सिखा सकता, तुम अच्छे से सीख गए हो, एंड द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड। मतलब अब इंस्ट्रक्टर का कोई भी काम नहीं बचा था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, मगर अभी भी मेरा जो डर था वो नहीं था, मुझे अभी भी अपने आप को आजमाना था, कि क्योंकि उसको लग रहा था कि मैं तो अभी पूल में हूँ, क्योंकि जब वो अकेले रहता था पूल में तो जो टेरर था उसको अभी भी स्ट्राइक करता था। तो उसने बड़ी प्रैक्टिस की, वो अकेले जब था उसने बहुत बार प्रैक्टिस की, अब वो पूल में तो बिल्कुल भी नहीं डरा था। मगर अभी वो जो टाइनी वेस्टेज, मतलब थोड़े बहुत कहते हैं ना कि रेजिड्यूअल जो डाउट्स होते हैं वो रहते हैं, तो अभी भी उसको थोड़ा बहुत डाउट था कि जो टेरर है ना, ओल्ड टेरर कहीं वापस ना आ जाए। तो हमको उसको बहुत सावधानी से भगाना होता है, क्योंकि जहाँ हम कमज़ोर पड़े कि वो जो डर है, जो हमारा वीक पॉइंट है ना, उसके ऊपर वो ज़रूर, आप कह सकते हो ना, वार करेगा। तो अभी भी वो जो फिनिश नहीं हुआ था, उसने सोचा, अभी भी जो थोड़े बहुत जो शंका रह गई थी वो वापस आ जाती थी, मगर जब भी वो ऐसा कुछ आता था पूल के अंदर, वो उसको वो फ्राउनिंग के साथ कहता था, मतलब अपनी भवें उठा के बोलता था टेरर से कि अब तुम फिर मुझे डराने के लिए आ गए, मगर यहाँ देखो अब तुम मुझे नहीं डरा पाओगे, और वो भागते हुए पूल के दूसरे साइड चला जाता था। मतलब पीस बाय पीस द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डाकलास। आप ये सारी जो चीज़ें हैं, स्विमिंग पूल में जो स्विमिंग मेरी चलती रही अकेले, वो जुलाई तक चलती रही। मतलब अक्टूबर में आई हैव स्टार्टेड एंड टिल जुलाई आई हैव, यू नो, आई वॉज डूइंग दैट, मगर अभी भी मैं सेटिस्फाइड नहीं था। मैं पूल में तो कर ले रहा था, उसे ऐसा लगा कहीं वो टेरर वापस ना आ जाए जब मैं बड़ी लेक में या रिवर में जाऊँ। तो मैं वेंटवर्थ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से रिवर में वो जा करके उसने डाइव ऑफ किया था। तो वेंटवर्थ एक रिवर था जो कि न्यू हैम्पशायर में था, वहाँ पे उसने डाइव ऑफ किया, और वहाँ से 2 माइल्स तक उसने वो स्विमिंग की, और जब वहाँ पे उसने हर तरह की स्विमिंग कर लिया, स्वैम द क्रॉल, बी स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न व्हेन आई वाज इन द मिडल, जब मिडल में आया लेक के, मतलब अच्छे से डाइव ऑफ किया, हर तरह की स्ट्रोक्स लगाए, मगर बस एक बार टेरर कब आया, इन द मिडल ऑफ द बीच में था, जब मेरा जो फेस था वो पानी के अंदर था, जब मैं सिर्फ पानी देख रहा था, तो फिर वो ओल्ड टेरर रिटर्न होके मेरे पास आया। तो जो ओल्ड सेंसेशन था एक मिनिएचर के फॉर्म में मेरे पास आया, मतलब एक छोटे फॉर्म में, अभी भी अब बहुत बड़े फॉर्म में वो टेरर मेरे पास नहीं आ रहा था। मैंने कहा जो रेजिड्यूअल डाउट्स थे बस वही समझ सकते हैं आप, तो वो हल्का फुल्का उसको डर लगना स्टार्ट हुआ, तो तुरंत ही उसने बहुत, उसने ना, आई लाफ्ड एंड सेड, मैं बहुत खुश हुआ और मैंने बोला, वेल मिस्टर टेरर, आप फिर आ गए मेरे पास, आप क्या समझते हो, आप मेरे साथ क्या कर सकते हो, अब आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इट फ्लेड एंड आई स्वैम होम। उसके बाद फिर अपने डर को उसने ओवरकम किया और वो स्विमिंग करना स्टार्ट कर दिया। मगर इसके बाद भी इस रिवर में भी, ये छोटा सा एक लेक था आप कह सकते हो, इस लेक में स्विमिंग करने के बाद भी उसके जो डाउट्स थे वो क्लियर नहीं हुए थे, स्टिल आई हैड अ रेजिड्यूअल डाउट्स थे कुछ उसके दिमाग में। तो एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, वेंट अप टू द टाइटन कॉनरेड मेडोज, अप द कॉनरेड क्रीक, ट्रेल टू मिडल ग्लेशियर एंड क्रैब इन द हाई मेडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्राइव डाइव ऑफ द लेक एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, जस्ट एज डॉग कॉपरॉन यूज टू डू। I shouted with joy and Gilbert Peak returned the echo. I conquered my fear of water. मतलब इसके बाद वो कॉनराड क्रीक ट्रेल में उस ग्लेशियर में गया और वहाँ पे उसने डाइव ऑफ किया। अब जा कर के उसको समझ में आया कि नहीं, जो टेरर है वो पूरी तरह से जा चुका है, नाउ आई हैड कॉन्कर्ड, क्योंकि मैं अब इसमें परफेक्ट हो गया हूँ। मैंने बिल्कुल डॉग कॉर्पन की तरह, ये भी एक स्विमर थे, बहुत अच्छी स्विमिंग करते थे, अब मैं उस तरीके का, मुझे ऐसा फील हो रहा है अब ये जो डर है वो पूरी तरीके से मेरे पास से चला गया है। सो द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी। ये जो एक्सपीरियंस था ना, इसका उस ऑथर के जीवन में ना बहुत ही गहरा मीनिंग था, क्योंकि जिसने ये टेरर देखा है वही इसको एक्सपीरियंस कर सकता है, और जिसने उस टेरर को एक्सपीरियंस किया है वही उसको कॉन्कर भी कर सकता है। ठीक है, जब तक आप गिरोगे नहीं आप उठना नहीं सीखोगे। कहते हैं ना कि राइडर वही होता है जो कभी ना कभी घोड़े से गिरा हो, फर्स्ट वही आता है जो कभी ना कभी अपनी लाइफ में फेल हुआ हो। तो फेल्योर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आर लाइफ। तो इट्स नॉट कि आप हमेशा फर्स्ट आओगे, इट्स नॉट कि आप हमेशा जीतोगे लाइफ में। जब तक आप हारोगे नहीं आपको जीतने की खुशी नहीं मिलेगी। तो ये जो खुशी थी
वो अगर नॉर्मल स्विमिंग करके उसको आ गई होती तो शायद वो इतना खुश नहीं होता, क्योंकि बार बार उस पानी ने उसको धोखा दिया है, मिस एडवेंचर क्रिएट किया है, उसने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया है इससे बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा है उसका, मगर हर बारी उसने अपने डर को, आप कह सकते हैं, पीठ दिखाई और उसने बोला है कि डर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दैट इज़ वाई इट हैज़ अ डीप मीनिंग फॉर हिम। तो ही कॉन्कर्ड इज फियर ऑफ वाटर। एंड एक और चीज़ उसने सीखी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि इन डेथ देयर इज पीस। वेट, ये एरो मैं हटा दूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इसने एक चीज़ सीखी, इन डेथ देयर इज पीस, देयर इज टेरर ओनली द फियर ऑफ डेथ। एज रूजवेल्ट नो व्हेन ही सेड ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। देखो उसने ये बहुत सिंपल सी बात बताई है कि हम कि जो डेथ है, हम मरने से बहुत डरते हैं। क्यों वो पानी में नहीं जाना, क्यों उसको लगता है मर जाएगा। जैसे बहुत लोगों को अरेशनोफोबिया होता है, किसी को क्लॉस्ट्रोफोबिया होती है, किसी को हाइट से फोबिया होता है, बहुत सारे फोबियाज होते हैं, बहुत सारी चीज़ों से डर होता है लोगों को। यहाँ पर उसने एक मीनिंग सीखी कि डेथ में तो पीस है, जब हम मर जाते हैं तो हम एकदम शांति में हो जाते हैं। कौन हमें काट रहा है, कौन हमें जला रहा है, कौन हमें दफना रहा है, हमें कुछ पता नहीं चलता है, वी डोंट नो एनी थिंग। सो देर इज़ अ पीस इन डेथ, इजंट इट। मगर टेरर किस में है? डर सिर्फ है फियर ऑफ डेथ में। वो जो फियर है, क्योंकि जब हम मर जाएंगे तब तो हम पीसफुल हो जाएंगे ना, हमारी सोल पीसफुली निकल जाएगी हमारी बॉडी से, एंड विल बी वेरी पीसफुल, हमारी सोल बहुत पीसफुल रहेगी। मगर डर किस में है? डर है फियर ऑफ डेथ में। तो डेथ में पीस है, मगर फियर ऑफ डेथ इज नॉट गुड। हम जो हम डरते रहते हैं ना, वही हमारे लिए खतरनाक चीज़ है। तो उसने यही बताया, रूजवेल्ट ने यही कहा है कि जो डेथ है उसमें पीस है, टेरर किस में है? फियर ऑफ डेथ में। क्योंकि हम मरने से डरते रहते हैं, तो वो जो थॉट प्रोसेस है वो हमको हॉन्ट करती रहती है हमेशा। तो हमें क्या करना है? ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इट्सेल्फ। अपने अंदर का जो डर है वही हमें भगाना है, और हम सब में बस हमारे अंदर का जो फियर है वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि बस ये फियर जो है एक थॉट प्रोसेस है भाई। उसने स्विमिंग इतनी तगड़ी कर ली, अगर वो नहीं सीखता तो हमेशा पानी से डरता रहता और मरते दम तक वो पानी को हाथ तक नहीं लगाता। मगर उसने सीख लिया, इसका मतलब डर इज, आप कह सकते हो फियर इज ओनली इन योर थॉट प्रोसेस। यू शुड यू नो गिव इट अवे, उसको उससे आप बाहर निकल सकते हो। क्योंकि यहाँ पर वो कहता है, बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइन एंड द टेरर ऑफ फियर। तो उसने कहता है कि मैंने दोनों ही एक्सपीरियंस किया, तो मुझे पता है कि फियर खाली एक थॉट प्रोसेस है। क्योंकि उसने सेंसेशन ऑफ डाइंग, उसने मरने का एक्सपीरियंस भी गैदर किया है, और नॉर्मल फियर ऑफ वाटर भी उसके दिमाग में था। क्योंकि स्टार्टिंग में जब फियर प्रोड्यूस हुई तो बहुत लोग तो तभी से हार मान जाते हैं, तो एक एवर्जन स्टार्टिंग से था उसका। एक तो पहली बार स्टार्टिंग में दो तीन ऐसे चीज़ें हुई जिससे उसको ये डर महसूस हुआ, और उसने मरने का एक्सपीरियंस भी इससे किया, तो उसने ये दोनों ही एक्सपीरियंस किए। इसीलिए द विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी। तो जब तक आप इसको जिएंगे नहीं, आपको नहीं पता चलेगा वाकई में जो डरता जिसने डर को एक्सपीरियंस किया है, या कोई भी फीलिंग हो या कोई भी सिचुएशन है, जब तक हम उस सिचुएशन को जीते नहीं या उस सिचुएशन में आते नहीं हैं, तब तक हमें उस सिचुएशन की गहराई पता नहीं चलती है। क्योंकि आप जब तक उसने वो पानी के अंदर वो डर महसूस किया, और जब उसने ओवर पावर किया, जब उसने उसको कॉन्कर किया, तो जो खुशी उसको मिली उस खुशी का अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज, फ्री टू वॉक विद ट्रेल्स एंड क्लाइंब द पीक्स टू ब्रश असाइड फियर। अब मैं बिना डर के, क्योंकि डर एक तरह का बोझ होता है जिसके साथ आपको जीना पड़ता है, तो डर एक तरह का बोझ होता है। तो एट लास्ट वो कहता है कि मेरा जो डर था अब रिलीज हो चुका था, अब मैं आराम से क्लाइंबिंग करता था, मैं कहीं भी जाता था, अब मैंने अपने डर को ना ब्रश अप कर लिया था, उसको अलग रख दिया था, एक साइड पे रख दिया था। सो बाय दिस वी कम टू द एंड ऑफ द लेसन, एंड आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट डू कमेंट मी, आप ड्रॉप करें अपने कमेंट्स डालें, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ प्रेस द हिट लाइक बटन and share this video, subscribe my channel, that's all I would say, and
वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो चिल्ड्रन. थैंक यू सो मच.